है? यस संगम, इंग्लिश हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है एंड सामने वाले पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इंग्लिश प्ले बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। सो गाइस, इंग्लिश बोलना जरूरी है लेकिन इंग्लिश बोलने के साथ साथ हमें मॉडर्न इंग्लिश कन्वर्सेशन भी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। सो आज हमारा टॉपिक मॉडर्न इंग्लिश कन्वर्सेशन है, तो आप हमको बताएंगे, तो प्लीज वेलकम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस चांस। सो प्लीज हैव योर सीट्स। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी हैव एन इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न इंग्लिश कन्वर्सेशन, राइट? वी ऑल नो गुड कन्वर्सेशन, राइट? हम सबको अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। आज हम कुछ यूनिक चीज सीखने जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स? तो पहले बेसिक से शुरू करेंगे ताकि हम कुछ बेसिक बातें सीख लें। मैं आपके लिए एक नोट लेकर आया था, एक यूनिक नोट जो ये बोलता है, नोट एवरीथिंग कैन बी टॉट इन द क्लासरूम। एग्री करते हो मेरे साथ कि हर चीज, मैं चाहूंगा निखिल से कि निखिल आप इसको प्लीज लीजिए अपने मोबाइल में ताकि व्यूअर्स बहुत इजीली इसको समझ पाए जब मैं रीड आउट कर रहा हूं। आप प्लीज इसको यहीं रखिए। नोट एवरीथिंग कैन बी टॉट इन द क्लासरूम, दैट्स व्हाई पीडी क्लासेस हैव ब्रॉट टुगेदर अ लिस्ट ऑफ न्यूर मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच फॉर यू टू स्प्रिंकल इन टू योर इंग्लिश कन्वर्सेशन। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी YouTube यूनिवर्सिटी है, इसका मैंने एक नाम दिया है, हमारी एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर स्टडी होती है, और इस स्टडी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो और जो क्लास आप चाहो वो आप पढ़ सकते हो। यानी कि हम अपनी क्लासरूम में आते हैं, पीडी क्लासेस आते हैं, तो जो हो रहा है आपको वही करना पड़ता है, जो सिस्टम चल रहा है आपको वही अडॉप्ट करना पड़ता है। मगर ये जो YouTube वाली यूनिवर्सिटी है हमारी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको मैं बता दूं, कई लोगों को जब हम बोलते हैं प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, तो कई बार बच्चों के मन में ये होता है कि सर इसका कॉस्ट तो नहीं लग रहा, इसका चार्ज तो नहीं लग रहा। तो आपको बता दूं YouTube वालों को कि इसका बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं लगता है। जस्ट आपको एक सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद जो बेल आइकन है आपको उसे क्लिक करना है ताकि जब हमारे नए नए वीडियोस आपके पास आए, इंग्लिश रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड, ग्रुप डिस्कशन रिलेटेड, तो आपको इंटीमेशन जरूर हो ताकि आप उसको इजिली देख सको, राइट? तो यही मेरी इन लाइंस के अंदर जो मैंने बात कही है कि इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग टू सब्सक्राइब, यानी कि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम चलते हैं हमारी टॉपिक के अंदर, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है YouTube यूनिवर्सिटी, ये हर बार नए नए टॉपिक लेकर आती है, और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत यूनिक है, वो स्पेशल टॉपिक है, और वो है मॉडर्न इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो उसके लिए पहले हमें थोड़ा सा बेसिक्स में जाना पड़ेगा इंग्लिश की, कि हम इंग्लिश की बेसिक्स के अंदर क्या क्या बातें सीख सकते हैं। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग फॉर इंग्लिश इज, जब कभी हम किसी से बात करते हैं तो हम ऑब्वियस यूज करते हैं हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, तो हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं वो करते हैं हाउ आर यू, राइट स्टूडेंट्स? तो उसका एक प्रोबेबल आंसर है आई एम फाइन। हाँ, आप दूसरे वाले से भी पूछ सकते हो कि होप यू आर ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट, राइट? आप हमेशा ध्यान रखो कि यू आर ऑल्सो सेलिंग द सेम बोट, ये भी एक वही बात है कि आपने अपनी बात को बहुत अच्छे से कहा है कि होप, आशा करता हूं कि आप भी मेरी तरह बहुत अच्छे होंगे, राइट? पर कभी कभी क्या होता है, हम किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, जब वेन वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हमें बोलना चाहिए हाउ डू यू डू, राइट? अगर हम रोज किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो हमें क्या बोलना है, हाउ आर यू। बट जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मुलाकात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उसे, हाउ डू डू। हाँ, उसका रिप्लाई बड़ा यूनिक है, क्योंकि उसका यूनिक रिप्लाई है हाउ डू यू डू, ही उसका रिप्लाई है। अगर आपको कोई बोलता है हाउ डू डू तो आप आगे से क्या बोलेंगे, हाउ डू डू। अक्सर हम लोग गलत बोलते हैं, हम लोग बोल देते हैं आई एम फाइन या जो भी है। आई एम फाइन आपको तब बोलना है जब आपको बोला जाए हाउ आर यू। तो ये बात मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी जानते भी हैं और अब क्लियर भी होगी हम सबके सामने कि हाउ डू डू हमें तभी बोलना है जब हम किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिले, और इसके बोलने के बाद अगर हमें कोई बोलता है हाउ डू डू तो हमें रिप्लाई में क्या बोलना है, हाउ डू यू डू, राइट? हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, राइट? वेरी गुड, हैव योर सीट। तो मुझे लगता है यहां तक वाला पॉइंट हमारा क्लियर आउट है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हम यूज कर सकते हैं, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ इज इट गोइंग, हाउ हैव यू बीन, ऐसे कुछ पॉइंट्स है यूनिक्स जो आप स्पेशली यूज कर सकते हो अपनी इंग्लिश के अंदर। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स की, हमारे बेसिक बातें तो हो गई, मगर कुछ नए मॉडर्न वर्ड आए हैं दुनिया में, देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम अपनी इंग्लिश को, मॉडर्न इंग्लिश कन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले कुछ यूनिक वर्ड्स को लेकर आए हैं। उन वर्ड्स की तरफ अगर मैं झलक मारूं और निखिल से रिक्वेस्ट करूं कि निखिल प्लीज आप इसको भी अपने मोबाइल में कैप्चर कर लो ताकि अपने जो व्यूअर्स है वो इजीली इस चीज को देख सकें, तो मैं निखिल से रिक्वेस्ट करूंगा। तो निखिल, पहला जो वर्ड अपना वो है ईयर वॉर्म, राइट? और ईयर वॉर्म एक यूनिक वर्ड है स्टूडेंट्स, यानी कि ये कुछ यूनिक वर्ड्स है, नए वर्ड्स है आपके लिए और मॉडर्नाइजेशन के वर्ड्स है, तो क्यों ना हम इन वर्ड्स को अडॉप्ट करें हमारी लाइफ में। तो शायद इन दोनों आपने एक सॉन्ग सुना होगा, सोनू तू मीठा मीठा बोल, सोनू की आंखें गोल गोल, गोल गोल, आपने सुना होगा ये सॉन्ग, राइट? और बड़ा यूनिक है, हर भाषाओं के अंदर अवेलेबल है ये सॉन्ग, इज इट दैट?
तो स्टूडेंट कुछ ईयर वॉर्म इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये वो लाइनें हैं जो हमें स्ट्रक कर गई है और हमें हमेशा रिकॉर्ड रहती है। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे लाइंस, ऐसे फ्रेजेस, ऐसे सॉन्ग्स को हम क्या कह सकते हैं, दीज आर ईयर वॉर्म्स, राइट। तो अब मेरे ख्याल से आप कभी भी नहीं भूलोगे कि ईयर वॉर्म क्या होता है। हमारा जो नेक्स्ट यूनिक वर्ड है वो भी बड़ा यूनिक है, वो है स्टेकेशन। तो स्टेकेशन को अगर समझना है तो आप पहले मुझसे ये समझ लीजिए कि वेकेशन क्या होता है। वेकेशन आप सबको मालूम है, छुट्टी पे आप एंजॉय करने जाते हो, एग्री। तो हमारा जो वर्ड है स्टेकेशन, स्टे, STAY, स्टे का मतलब हो गया वहीं रुकना। यानी कि छुट्टियां तो हो गई, छुट्टियां तो आपको मिल गई, मगर उन छुट्टियों में आप कहीं बाहर नहीं गए, आपने क्या किया, आप वहीं रुक गए और आपने अपने लोकल एट वाले काम किए, जो भी आपको लोकल वर्क करना है आपने अपने घर पे ही काम किया। हो सकता है आप ऐसे कह सकते हो, टुडे दिस हॉलीडेज आई टुक स्टेकेशन, द रीजन आई वांट टू सेव मनी, क्योंकि मैं पैसे बचाना चाहता था, पहले जैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाए तो मैंने स्टेकेशन लिया, एग्री। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी बड़ा यूनिक है, वो है एपिसोड। आप लोगों ने अभी तक वर्ड सुना होगा, वर्ड एपिसोड, राइट निखिल। तो मैं चाहूंगा कि ये भी कैप्चर हो जाए हमारे द्वारा। तो फिर से हम निखिल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वेपिसोड जो वर्ड है, तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से वर्ड सुना होगा एपिसोड। एपिसोड और सीरीज क्रिएटेड एक्सक्लूसिव फॉर ऑनलाइन व्यूइंग, दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ वेब सीरीज और यूज टू प्रमोट अ टेलीविजन सीरीज, यूज इट लाइक देयर इज अ बिग न्यू ब्रेकिंग वेपिसोड ऑनलाइन, हैव यू सीन इट। यानी कि ये एक तरीके से ऑनलाइन व्यूइंग है। हम अभी तक क्या करते थे, टीवी पे देखते थे, तो हम टीवी वाले को क्या कहते हैं, एपिसोड्स। और जब हम ऑनलाइन देख रहे हैं इस चीज को, तो यस, तो हमारे पास वर्ड आता है क्राउड फंडिंग, राइट। क्या वर्ड है हमारे पास, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का क्या है, कलेक्शन ऑफ मनी, कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द क्राउड थ्रू इंटरनेट, दिस इज व्हाट वी नोन एज क्राउड फंडिंग। इजी वर्ड है, हो सकता है एग्रीबल। तो हमारे पास ऐसे से कुछ यूनिक वर्ड्स है, जैसे अभी तक हमने जो सीखा क्राउड फंडिंग सीखा, हमने जो वर्ड सीखा वेबिसोड सीखा, हमें एपिसोड तो मालूम था मगर हमें वेबिसोड नहीं मालूम था, तो अब आपको पता लग गया होगा वेबिसोड वर्ड भी। ये जो यूनिक वर्ड्स जो नए आए हमारे लिटरेचर के अंदर, इनके अंदर हम एक और वर्ड पे चलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से क्लैंपिंग द वर्ड, तो इट्स अ ग्लैमरस कैंपिंग। अभी तक आपने कैंपिंग सुना होगा मगर ग्लैमरस कैंपिंग भी सुना होगा। अवॉइडिंग एनी रफ कंडीशन विद लग्जरियस फैसिलिटीज और रिकमेंडेशन सच एज योगर्ट और कैबिन, यूज इट, वी आर गोइंग टू बी ग्लैंपिंग दिस ईयर। ऐसा कुछ वर्ड्स, यूनिक वर्ड जिसमें ग्लैमरस कैंपिंग हो, तो हम उसे वर्ड को क्या दे सकते हैं, ऐसी कैंपिंग जहां पर ग्लैमर हो, जहां पर सुख सुविधाएं सारी हो, तो आप उसे क्लैंपिंग कह सकते हैं, राइट। लुक अलाइक, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, लुक अलाइक। तो यहां पर मैं अपने दो स्टूडेंट्स को खड़ा करना चाहूंगा, अभि एंड हर्ष, एक बार आप खड़े हो जाओ। अब आप ध्यान से देखिए अभि और हर्ष को, इनके फेसेस एक जैसे, देखो थोड़ा सा, आप लोग इधर देखो, गर्ल्स एग्री करते हो, तो दे बोथ आर ट्विंस, तो हम लोग कह सकते हैं ना अभि एंड हर्ष आर लुक अलाइक, राइट। अभि एंड हर्ष लुक अलाइक, हम ऐसे लाइन बोल सकते हैं। तो या फिर किसी सेलिब्रिटी से हम मैच करते हैं तो भी हमें बोल सकते हैं कि दे लुक अलाइक, राइट। तो यू आर यूजिंग दिस वर्ड्स व्हेन वी फील दैट पर्सन आर हैविंग द सेम फेसेस। तो हमने कुछ यूनिक वर्ड्स एड ऑन करने हैं अभी और अभी पिक्चर बाकी है स्टूडेंट्स। सम वर्ड्स आर हैंडओवर, अगर मैं अपनी पावर किसी और को डेलीगेट कर देता हूं तो इसे वर्ड को हम क्या यूज करेंगे, हैंडओवर, राइट। सो निखिल प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको भी कैप्चर कर लो ताकि टाइम पर हमारे पास ये वर्ड्स आ जाए। और द वर्ड इज हैंडओवर, दिस वर्ड हैज अ मोर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ गेनिंग लैंड और ओनरशिप, हाउ इट इज अ मॉडर्न यूज इज कॉमनली इन द वर्क प्लेस, एक्ट ऑफ पासिंग ओवर कंट्रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन व्हाइल यू आर ऑफ वर्क ऑन हॉलीडे और लीविंग अ जॉब। Use it like this. I'll send my notes in a handover email so you can continue the project while I'm away. तो आप ऐसे words use कर सकते हो जो handover, यानी कि अपनी पार किसी और को delegate कर देना, right? अब एक word आता है may, right? M-E-H हमारी जो spelling है, means dull, uninspiring. अगर आप movie देख के निकलते हो और आप कहते हो यार वो movie कैसी लगी, तो कई बार आप कहते हो बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार देखकर, right? मगर कभी उसमें क्या कहते हैं, यार it was may, it was not a good idea. The film was a bit may. तो आप ऐसा word use कर सकते हो। तो हमारे पास अभी भी दो वर्ड्स बाकी है, पिक्चर भी बाकी हमारे पास, दैट इज बिंज वॉच। क्या वर्ड है हमारे पास, यानी कि फिर से मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिंज वॉच वर्ड और बे वर्ड को आप जरूर कॉपी करो ताकि हमारे व्यूवर्स इसको इजीली देख सके। वॉचिंग मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ अ टीवी शो वन आफ्टर द अनदर इन सिंगल सिटिंग, यूजली विद अ डीवीडी बॉक्स सेट और यूजिंग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। एग्जांपल, आई एम प्लानिंग टू बिंज वॉच द एंटायर सीरीज ऑफ गेम्स ऑफ थ्रोन्स दिस वीकेंड। एक साथ काफी चीजें देख लेनी, यानी कि एपिसोड्स को एक साथ आप देख रहे हैं तो आप उसका बोल सकते हैं, दैट्स अ बिंज। नेक्स्ट वर्ड इज बे, बी ए वाई, इट्स अफेक्शनेट टर्म फॉर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, यू कैन से गुड बाय बे, राइट। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड बाय माय फ्रेंड, गुड बाय माय वर्ड, दिस अ वर्ड दैट इज रिटन गुड बाय, एंड यू कैन ऑल्सो यूज जब हम किसी से लास्ट में जा रहे मिल रहे तो हम कहते सी यू लेटर बे, राइट। इट मींस बोथ गर्लफ्रेंड एज वेल बॉयफ्रेंड, इन यूज्ड एज अफेक्शनेट वे, थोड़ा लवली वे में यूज होता है ये वर्ड। अब
चलते हैं हम स्टूडेंट्स, हमने वर्ड्स तो बहुत सीखे और उन वर्ड्स को प्रैक्टिस भी कर लेंगे और अप्लाई भी कर लेंगे, बट द थिंग इज कि हमने एक वर्ड कंसेप्ट यूज किया था, जैसे मुझे दो लोगों ने मेरे स्टूडेंट्स में कॉपरेट किया था, संगम ने मुझे कन्वे किया था, रिपीट ने मुझे कन्वे किया था कि सर आगे मॉडर्नाइजेशन में क्या चीज आएगी यूनिक। तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर हम लोग अपनी इंग्लिश को तो सीखे रहे हैं, हमें वर्ड्स ही पता है, मगर उसको मॉडर्न तरीके से कैसे बोलना है वो हम आज देखते हैं। तो हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो है मॉडर्न वे, दैट्स इज अ वर्ड दैट इज रिलेटेड टू काइचो। अब मैं कुछ वर्ड्स आपको बना करूंगा और निखिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैमरा वहीं रखो ताकि मैं इजीली स्टूडेंट्स को रिपीट करता जाऊं और सारी प्रैक्टिस करवा पाऊं। सो द फर्स्ट इज इन गोइंचू, तो गोइंचू को वर्ड आज के बाद आप उसको क्या बोलोगे, गुना, बोलिए सर गुना। यू आर गोना टू मेक अ प्रेजेंटेशन, बोलिए यू आर गोना टू मेक अ प्रेजेंटेशन, तो आप गोइंचू की जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हो, गुना। यू आर, एक बार बोलिए यार, बोलिए यार, जैसे अपने बोलते हैं ना ये यार, ये तो मेरा दोस्त है, यार है ये मेरा, तो वैसे ही कुछ यार, बोलिए यार। तो आपको यू आर नहीं बोलना आज के बाद, आपको बोलना है यू आर, राइट। यू आर गोइंग टू मेक प्रेजेंटेशन, तो आपको क्या बोलना है, यू आर गोइंग टू मेक प्रेजेंटेशन, उसकी जगह आप क्या बोलोगे, यार गोना मेक प्रेजेंटेशन, क्या बोलेंगे, यार गोना मेक प्रेजेंटेशन। आपने बात वही बोली, बस आपको प्रनाउंस करने का वे अट्रैक्टिव होना चाहिए। हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो भी बड़ा यूनिक है और स्पेशल है, वो कहता है I will, तो आज के बाद I will को आप बोलोंगे all, बोलिए all, right? I'll go, बोलिए I'll play, I'll play, I'll make pizza, तो I'll make pizza, तो आपने वो all जो है A-E-L बोलना है, E-A-L बोलना है, मगर आपको I will कभी नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, I'll make pizza, I'll make pizza, तो pizza को भी आपको क्या प्रनाउंस करना है, pizza, I'll make pizza, बोलिए। अब बताइए वी के साथ अगर विल लग जाएगा तो आप इसके वी विल बोलेंगे क्या, आप इसको वी विल कभी मत बोलना, आप इसको बोलना वॉल, वॉल, बोलिए वॉल, प्ले गेम, वॉल प्ले गेम, वॉल प्ले गेम, यू वोंट से वी विल प्ले गेम, वॉल प्ले गेम, राइट। अब हम एक यूनिक वर्ड लेते हैं, आप इन वर्ड्स को प्लीज कैप्चर कर लेना जब आप यूट्यूब पे जाइए और आराम से इस वर्ड्स को लेते जाइएगा। अब मैं वर्ड लेता हूं आपके साथ, बड़े इजीली बोल के देखता हूं पहले आपको, जस्ट लेट मी सी, बोलिए मेरे सर, मगर आज के बाद आप इसको कभी भी ऐसे बोलेंगे क्योंकि जस्ट को हमेशा एस तक बोला जाता है, टी हमेशा साइलेंट होता है, जस्ट बोलिए, और लेट के साथ और मी के साथ अटैच कर दो, लेमी बोल दो, जस्ट लेट मी सी, बोलिए, तो आप क्या नहीं बोलेंगे, जस्ट लेट मी सी, कभी मत बोलना, आपने जस्ट लेट मी सी, बोलिए, जस्ट लेट मी सी, बोलिए, आपने टी सबके उड़ा दिए तो क्या बन गया ये, जस्ट लेट मी सी। अब आपको बोलना है जस्ट लेट मी ट्राई, बोलिए जस्ट लैमी, जस्ट लैमी, बोलिए, तो यू यूज द वर्ड जस्ट लैमी सी दैम, तो दैम को भी आपको एम बोलना है, जस्ट लैमी सी एम, बोलिए। तो आपने प्रोनाउंसिएशन को ही सीखना है कि किन वर्ड्स को कैसे बोलना है, तो एक बार आप मेरे साथ प्रोनाउंस कर लो, फिर उसके बाद आप स्लाइड से वापस आइयो। तो हमें जो गोइंग टू बोलना है उसे क्या वर्ड यूज करना है, गुना, अपन मार्केट, बोलिए मार्केट, राइट। अब हमको बोलना है आल, तो आपको बोलना है ऑल, राइट, ऑल विल गो, आल गो, राइट, आल गो, तो यू यूज सच वर्ड्स, अगर आप ऐसे प्रोनाउंसिएशन रख लेते हो। और जस्ट लेट मी को मैंने क्या बताया, जस्ट लेट मी, ना टी बोला इधर ना टी उधर बोला, आपने क्या बोला, जस्ट लेट मी, जस्ट लेट मी, राइट, एक बार बोल के देखिए, जस्ट लेट मी, आपको क्या नहीं बोला, टी टी, जस्ट नहीं बोलना, जस्ट बोलना, राइट। इसी तरीके से हम यूनिक वर्ड्स में और थोड़ा सेंटर होते हैं, और मैं निखिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि निखिल आप फिर से प्लीज कॉपरेट करो हमें। देयर आर वर्ड्स लाइक दे आर, क्या वर्ड है, दर, बोलिए दर, बोलिए दर, देयर द सेम फेलोज, बोलिए देयर द सेम फेलोज, देयर आर द सेम फेलोज, नहीं बोलना आपको, आपको क्या बोलना है, देयर द सेम फेलोज, बोलिए देयर द सेम फेलोज, कि देयर आर पूरा कभी नहीं बोला जाता, दे आर, आर नेचुरल लगाकर उसका भी जो प्रोनाउंसिएशन मैंने आप लोगों के लिख दिया है ताकि आपके लिए इजी हो, ये तो आप बोलेंगे द सेम फॉलोस। अब वर्ड आता है कंफर्टेबल, आपने वर्ड सुना होगा कंफर्टेबल, आप बोलते भी हो, राइट, तो कंफर्ट, कॉम्फ, आपने कंफर्टेबल वर्ड को अगर ध्यान से देखा तो इसके चार सिलेबल्स है, कंफर्टेबल, राइट, मगर आपको इसको एक तीन सिलेबल में बोलना है, कॉम्फ, बोलिए कॉम्फ, कॉम्फर्टेबल, कॉम्फर्टेबल, तो आपने क्या नहीं यूज किया, आपने एक साइलेबल उड़ा दिया, आप यहां से देखो, तो आपको इसका प्रनाउंस कैसे करना है, कॉम्फर्टेबल, कॉम्फ एक शब्द बोलना है, हम क्या बोलते हैं, कंफर्ट, कंफर्ट, नहीं यूज करना, आपको क्या करना है, कॉम्फर्टेबल, कॉम्फर्टेबल,
तो आपने इस तरीके से इसको बना सके ना। अब दो वर्ड और आते हैं स्टूडेंट्स हमारी लाइफ के अंदर, नाइदर आइदर, सुना होगा आप लोगों ने। तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, आप इसको नीदर भी बोल सकते हो और नाइदर भी बोल सकते हो, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है। इधर भी बोल सकते हो और आइदर भी बोल सकते हो, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। जैसे हमारे अमेरिकन के अंदर हम शेड्यूल और स्केड्यूल बोलते हैं, तो दोनों ही सही है। अमेरिकन टर्म के अंदर उसे स्केड्यूल बोला जाता है और वरना हम उसको शेड्यूल बोलते हैं। वैसे ही नाइदर भी सही है और नीदर भी सही है, इधर भी सही है और आइदर भी सही। अब वर्ड आता है द, तो दा को दी भी बोलते हैं और दा भी बोलते हैं। तो मैंने आर्टिकल्स वाले टॉपिक में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि दा वर्ड दी कब बोला जाता है, जब किसी वर्ड से पहले वॉवल्स हो, याद है आप लोगों को, और अगर कंसोनेंट्स हो तो क्या बोला जाएगा, दा। यार अब हमारे पास एक नया वर्ड आता है, यूनिक वर्ड, आप लोग कॉपी में लिख सकते हो, दैट इज क्रैप, सी आर ए पी। कई बार आप बोलते थे ना ओ शिट, बोलते हो कई बार और शिट यार गलती होगी ऐसे बोलते ना, तो शिट थोड़ा सा ना ऑफेंसिव सा लगता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो आप उसकी जगह वर्ड यूज करिए क्रैप, बोलिए बेटा ओ क्रैप, बोलिए व्हेन यू मैश समथिंग अप, क्रैप इज लेस ऑफेंसिव वर्जन ऑफ शिट। बोलना वही है कि मुझसे गलती हो गई यार, ओ क्या बात है, जैसे आपसे कुछ गिर गया, आपसे कुछ पेन गिर गया, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, क्रैप, राइट, यू वॉन्ट यूज अ वर्ड शिट। तो चलिए एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, फिर से प्रैक्टिस कर लेते ताकि हम नई स्लाइड से आए। दैट इज अ वर्ड दे आर, दे आर गोइंग, दे गोइंग, दे आर गोइंग नहीं बोलना आज के बाद, दे गोइंग, दे गोइंग, राइट, दे गोइंग। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड था कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। द नेक्स्ट वर्ड इज नीदर नाइदर, दोनों सही है, आइदर इधर दोनों सही है। फिर मैंने एक नया वर्ड आपको सिखाया था, शिट मत बोलो, अच्छा नहीं लगता बोलना भी, वो शिट गंदा लगता है, आप उसकी जगह क्या बोलेंगे, क्रैप। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हमारे अंदर चलते हैं और हम कुछ इंग्लिश को और मॉडर्नाइज करते हैं और नया तरीका सीखते हैं। चलिए आइए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, तो प्लीज आप इसको भी कैप्चर कर लो। द वर्ड इज आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। कभी कभी मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं भाई एक आंसर बताओ, अब सर मुझे नहीं पता सर, आई डोंट नो, तो प्लीज इसको आई डोंट नो मत बोलना। आप इसको जो प्रनास करेंगे वो आज के क्या बात क्या करेंगे, आई डू नो, बोलिए आई डू नो, बस इसका मतलब क्या, आई डोंट नो, आई डू नो, बोलिए आई डू नो, तो इसका मतलब क्या है, आई डोंट नो, यू यूज अ वर्ड आई डोंट नो थिंक सो, बोलिए आई डोंट थिंक सो, इसका मतलब आई डोंट थिंक सो, तो आई डोंट मत बोलना, आप क्या बोलोगे, डू नो, आई डू नो, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज टू बी ऑन अ किक। आप इस वर्ड को लिख सकते हैं, आपके बहुत अच्छा रहेगा, काम आएगा आपके वर्ड, टू बी ऑन अ किक, यानी कि टू बी ऑन अ किक, यानी कि मैं किसी काम के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हूं, टू बी एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई एम ऑन अ वर्कआउट किक, यानी कि मैं इन दिनों एक्सरसाइज करने में किक हूं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि मैंने पहले बहुत ज्यादा नहीं करी मगर इन दिनों में बहुत ज्यादा जोशीले तरीके से एक्सरसाइज के ऊपर लगा हुआ हूं, तो आम ऑन अ किक, तो आम ऑन अ किक, आम ऑन सैलड किक। एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ज्यादा इन दिनों सैलड खा रहा हूं, खाना नहीं खा रहा हूं और मैं अपनी हाइट बॉडी का बड़ा ध्यान रखता हूं ताकि मेरी बॉडी में फैट ना आए, तो मैं सैलड खा रहा हूं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, आम ऑन सैलड किक। और अगर आपने से कोई योगा करता है तो क्या बोलेगा, आम ऑन योगा किक। अगर आपने से कोई मेडिटेशन करता है तो क्या बोलेगा, आम ऑन मेडिटेशन किक। किक का मतलब आप समझ गए, यानी कि उस चीज के लिए मैं क्या हूं, पैशनेट हूं, मेरे अंदर जुनून है उस चीज के लिए। हम अपने नेक्स्ट वर्ड के अंदर आते हैं, डब्ल्यू एच डब्ल्यू पी एस, आप लिख सकते हैं वर्ड डब्ल्यू एच डब्ल्यू पी एस। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इट्स अ एक्सक्लेमेशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ मिस्टेक, अगर कोई गलती हो जाती है तो ऐसे जैसे हमने पहले वाला वर्ड सीखा था ना वैसे ही बिल्कुल ऐसा, इसको ऊप्स बोलिए, तो डब्ल्यू वर्ड आप प्रोनाउंस नहीं, आपको क्या वर्ड यूज करना है, ऊप्स बोलिए, ऊप्स, जैसे कोई गलती हो जाए आपसे पहले ऊप्स बोलिए, ऊप्स, तो आपने वर्ड प्रोनाउंस किया। चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमें कोई वर्ड नहीं आता तो हम क्या बोलेंगे, आई डोंट नो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आई डू नो, आई डू नो, राइट। हमारे पास दूसरा वर्ड आता है आई डू नो थिंक सो, बोलिए आई डू नो थिंक सो, मगर आप हम क्या बोलते, आई डू नॉट, आई डोंट, ऐसे मत बोलना, आई डू नो थिंक सो, बोलिए थोड़ा सा ना स्टाइल ना अपना अमेरिकन एक्सेंट लाओ, इट लुक्स वेरी गुड, एंड मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, इवन महिमा हैव सीन दैट शी हैज ब्रॉट सो मेनी अमेरिकन एक्सेंट्स, कुछ वर्ड्स ही यूनिक बोलने लगी है, एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट कि मैं इन वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में लाऊं। आप सच्ची में आपकी इमेज बदल जाती है जब आप कुछ मॉडर्नाइजेशन अपनी इंग्लिश के अंदर लेकर आते हो। और स्टूडेंट्स, आज का जो टाइम है उसमें इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं और इवन यूट्यूब पे भी मेरे को बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं। कल भी मुझे नाइट में एक गर्ल ने मुझे कमेंट किया और पूछा कि सर क्या मेरे को इंग्लिश नहीं आती और मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ, और इंटरव्यू किसी एयर होस्टेस का था। अब मैंने जब उसे रिप्लाई किया तो कहती सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, बाकी मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हाइट अच्छी है और मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। तो मैंने कहा मैडम एवरीथिंग इज ओके, दैट इज आउटर ग्रूमिंग, मगर जब तक इनर ग्रूमिंग आपकी अच्छी नहीं है तो आप सक्सेस पा नहीं सकती। तो मैंने उनको बोला कि आपकी इंग्लिश बहुत बहुत मैंडेटरी है, कहती सर आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस। तो मैंने कहा अभी तक आपने हमारा क्या किया है, आपने वो कहती सर अभी तक मैंने आपके सिर्फ इंटरव्यूज देखे और मैं इंटरव्यू सीख रही हूं। मैंने कहा आपने गलती कर दी, हमारे 150 लेक्चर्स हैं,
अप्रोक्सीमेटली यानी कि 200 लेक्चर से कम होगा, हमारे 150 के आसपास लेक्चर्स जाने जा रहे हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप इंग्लिश स्पीकिंग वाले लेक्चर्स देखो, उनसे आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखो, क्योंकि आपका मोटो सिर्फ इंटरव्यू देना नहीं है, आपका मोटो इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, क्योंकि जिस जगह पर आप जाओगे वहां पर हिंदी में कोई बात नहीं करेगा और ना आपसे कोई बात सुनेगा। वो बिल्कुल इस बात से एग्री हुई और उसने बात को फॉलो अप किया और मुझसे बोला कि सर मैं आपके 100 के 100 लेक्चर्स गो थ्रू होंगी और कॉपी पेन लेकर बैठना, मैंने कहा तभी आप हमारे लेक्चर्स देख पाओगे। और बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट इंजॉय करके लेक्चर सीख रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ट्रेन के अंदर कभी मत देखना, आपको कॉपी पेन लेकर बिल्कुल छोटा बच्चा बनके बैठना पड़ेगा, एक एक अक्षर लिखना पड़ेगा, तब आपको इंग्लिश आएगी। वो कहते ठीक है सर आई ट्राई माई बेस्ट, तो ऐसा पॉसिबल है पर छोटा सा भी यूनिकनेस आनी चाहिए। अब हमने एक नया वर्ड सीख लिया, आम होना किक, आम होना सैलड केक, आम होना योगा केक, आम होना वर्कआउट केक, आम होना स्टडी केक, आम होना इंग्लिश केक, आम होना मॉडर्न इंग्लिश केक। इन दिनों आप लोग कौन सी इंग्लिश सीख रहे हो? मॉडर्न इंग्लिश। तो आप क्या बोलोगे? आम होना मॉडर्न इंग्लिश केक। तो हमारे पास बहुत से वर्ड्स है स्टूडेंट्स, पर मैं चाहूंगा कि मैं आपको यूनिक यूनिक और बातें बताऊं। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पसंद से कि निखिल फिर से इसको कैप्चर कर लो, बहुत ही यूनिक बात आ रही है निखिल ये। जैसे एग्जांपल, आर यू वॉकिंग वुमेन, तो आपको किसी से पूछ रहे हैं, जैसे मेरे पास बहुत सी लेडीज जब इंक्वायरी करने आती है कोर्स के बारे में, तो मैं उनसे कई बार पूछ लेता हूँ, मैडम यू लुक्स, जैसे वो अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाती है कि हाउसवाइफ नहीं लगती और लगती है कि कोई अच्छी जॉब करती है, तो हम पूछ लेते हैं आर यू वॉकिंग वुमेन, तो उसमें जी मत लगाओ, हम क्या करते हैं आर यू ए वर्किंग वुमेन, तो वर्किंग मत बोलना आप कभी भी, आप क्या बोलोगे? वॉकिंग। बोलिए आर यू वॉकिंग, आर यू वर्किंग वुमेन, तो आपको क्या बोलना है? इन। जैसे एग्जाम्पल वॉज गोइंग ऑन, तो आप क्या बोलोगे? वॉज गोइंग ऑन, आपको गोइंग नहीं बोलना, क्या बोल रहा है? वॉज गोइंग ऑन। बोलिए वॉज गोइंग ऑन, आप गोइंग मत बोलना, आप वर्किंग वर्ड यूज मत करना, वर्किंग। क्या वर्ड यूज करोगे? वर्किंग। और क्या करोगे? गोइंग, आप गोइंग मत बोलो, वॉज गोइंग ऑन। बोलिए बोलते हो ना आप ऐसे, वॉज गोइंग ऑन, बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ, गोइंग बोल रहा हूँ कि गोइंग बोल रहा हूँ? गोइंग। अब वर्ड आते हैं स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छा, दैट वर्ड इज एंड, ए एंड डी, और हम एंड को बहुत ही जोर से बोलते हैं एंड, तो प्लीज इसको एंड मत बोलना, आज के बाद आप इसको बोलोगे एंड। बोलिए ए ई एन, क्या बोलोगे? ए ई एन, एन। एग्जाम्पल कप एंड सॉसर, जब मैं बोलूं कप एंड सॉसर, नहीं कप एंड सॉसर, बोलिए एंड एंड एन, क्या नहीं यूज करना आपको? एंड नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है? एन। चलिए नेक्स्ट वर्ड, बैग्स एंड बैगेज, अंग्रेज है ना हमारे देश से निकल भागे विद बैग्स एंड बैगेज, सो विद वर्ड नहीं यूज करें क्योंकि विद उसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है, बैग्स एंड बैगेज का मतलब है हर चीज लेकर, सिर्फ बोरिया बिस्तर ही नहीं, जो भी चीज वो बिलोंग करते थे उन सबको उठाकर वो तोड़ लिए, तो हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे बैग्स एंड बैगेज। तो मैं एंड बोल रहा हूं या एन बोल रहा हूं? एन, ए ई एन, आज के बाद आप एंड को क्या बोलोगे? एन। चलिए एक और वर्ड सीखते हैं, इट्स बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट्स एंड डॉग्स मेरे ख्याल से आप सब कुछ सब जने जानते हैं, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है भारी वर्षा, राइट? तो अगर आप ये वर्ड जानते हैं तो आप इस वर्ड में इट्स बीन, यानी कि आपको इट हैज बीन नहीं बोलना, क्या बोलना है? इट्स बीन। बोलिए इट्स बीन, तो आपको कहीं भी टी दिखता नजर आए आप उसको उड़ा दो, मैं सबको एग्जाम्पल देता हूं, इट्स, बोलिए दैट्स, वाज, तो तीन वर्ड हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, इट्स, वाज, दैट्स। तो चलिए इसको एक बार रिपीटेशन लेते हैं हम एक बार दोबारा से, अगर हमें कोई वर्किंग वुमन मिलती है तो हम उसे क्या बोलना है? वर्किंग। क्या नहीं बोलना? वर्किंग, वर्किंग नहीं बोलना, हमें बोलना है वर्किंग। आर यू वर्किंग वुमन, आर यू वर्किंग, आर यू प्रेजेंटली वर्किंग, आप इसमें काम कर रहे हो तो आर यू प्रेजेंटली वर्किंग, राइट? सच वर्ड्स यू शुड यूज। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एंड, तो हमें डी नहीं बोलना, क्या वर्ड यूज करना है? एंड का फिल सॉसर, बोलिए राम एंड रहीम, यस मैंने अभी भी यूज किया था अर्श एंड अभी, तो मैंने एंड नहीं बोलना, अर्श एंड अभी, बोलिए एंड, ए ई एन वर्ड यूज करना है। हम नेक्स्ट वर्ड पे आए थे, कितने भी टी वाले वर्ड है, इट्स, दैट्स, व्हाट्स, बोलिए इट्स, दैट्स, व्हाट्स, टी नहीं बोलना सबका, टी उड़ा दो, आपको एस लगाना है, इट्स, दैट्स, व्हाट्स, हाँ टी नहीं बोलना, टी वर्ड दो, इट्स, दैट्स, व्हाट्स, राइट? चलिए अब नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट के अंदर चलते हैं, हमारे पास आता है स्टूडेंट्स कुछ यंगस्टर्स की इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। इन दिनों मेरे ख्याल से मोबाइल फोन आप सबके पास है, राइट? हम सब मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और संगम आप सेल्फी यूज करती है, वॉक खींचती है, कैसे करती खींचती हो? हाँ जी सेल्फी कैसे खींचते हो?
Wonderful. When you are keeping your arms like this and taking a snap of your own, it is known as selfie. आज के बाद आपसे कोई बोले कि selfie का meaning क्या है? तो selfie की definition यही है जो मैं अभी संगम ने आपको करके दिखाई. Her hand is keeping like this and she is doing like this, right? हम अगर किसी और word पे चलते हैं, तो हमारे पास word आता है groupie. क्या word है हमारे पास? Groupie. Groupie is a unique word. यानी कि groupie एक ऐसा word है जो groups के अंदर, यानी कि बहुत से groups के लोग खड़े हैं और हम बोलना भाई फोटो लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पर्सन उस ग्रुप में से स्नैप लेगा. और वो स्नैप कैसे लेगा? वो स्नैप ऐसे लेगा जैसे वो हैंड तो वैसे ही करेगा, मतलब तो सारे ग्रुप को इन्वॉल्व कर लेगा. और फोटो कैसे कैसे आएगी? ऐसे करके, राइट. हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? वेल्फी. इस वर्ड को आप खुद ढूंढना, थोड़ा सा ह्यूमरस है तो आपके लिए ज्यादा इंजॉयफुल होगा. जब आप खड़े होते हो तो मुझे नहीं पता आप किस साइज फोटो खींचते हो, आपकी फोटो आती है, आप देखना कि इसका मीनिंग क्या है, मगर इट्स लिटिल बिट ह्यूमरस, तो आप एंजॉय करना अपने आप. नेक्स्ट वर्ड इज फोटो बॉम्ब. ये लोग वो होते हैं जो आपकी फोटो को बीच बीच में आते हैं, यानी कि आप स्नैप कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, बीच बीच में आपको आगे डिस्टर्ब करेंगे. तो इसके लिए एक वर्ड लिखा है, ही फोटो बॉम्ब योर पिक्चर अनइनवाइटेड गेस्ट. यानी कि हम स्नैप लेते हैं, मैं अपनी वाइफ के स्नैप लेते हैं, तो हमारी गुड़िया वो बीच में आ जाती है, हमारा जो सन है वो भी बीच में आता है, मैं भी आऊंगा और वो ऐसे आते हैं, तो बताइए वो फोटो कैसे आएगी, वो कैसे ऐसे करते जाते हैं, तो बताइए उनकी फोटो कैसे आएगी, वो हमारी फोटो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो उनको क्या बोला जाता है? द वर्ड इज फोटो बॉम्ब. दो वर्ड हो रहे हैं हमारे पास, दैट इज वन इज शटर बग एंड द अदर इज शटर नटर. तो हमारा जो शटर बग वर्ड है ये अमेरिकन वर्ड है, यानी कि जो आदमी खाता पीता खूब इंजॉय करता हो और फोटोग्राफी में इंजॉय करता हो, दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे शटर बग हो चाहे शटर नटर हो, मगर अमेरिकन में शटर बग बोला जाता है और ब्रिटिश के अंदर शटर नटर बोला जाता है, बस इतना ही फर्क है, बाकी मीनिंग दोनों का कॉमन है. हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अंकल बॉब. अंकल बॉब एक ऐसा वर्ड है जो बड़ा कॉमन है और ये वर्ड अमेरिकन टर्म है. ये वर्ड कब लगता है? जब कोई भी मैरिज पार्टी हो, कोई एंजॉयमेंट पार्टी चल रही हो और उसमें जो कैमरामैन है ना, उनको ये लोग डिस्टर्ब करते हैं. कैसे करते हैं? मान लीजिए कैमरामैन फोटो कर रहा है, ये लोग क्या करेंगे, अपना मोबाइल लेकर आएंगे और बीच बीच में आगे आपको तंग करेंगे, हट जा भैया हट जा मेरे को फोटो लेनी है, हट जा हट जा मुझे फोटो, तो वो डिस्टर्ब होगा पर्सन, तो इनको क्या कहा जाता है? अंकल बॉब, राइट. हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है पैपराजी. बोलिए पैपराजी. ये भी एक यूनिक वर्ड है उस मीडिया के लिए जो सेलिब्रिटीज वगैरह की प्राइवेसी लाइफ को एंजॉय करती है. अगर सेलिब्रिटीज कुछ भी वर्क कुछ भी बोल देती है, जैसे वो बोलते हैं मेरा शादी करने का कोई मन नहीं है, तो उसकी चार बातें बढ़ा के बोल देंगे कि उसके घर वाले उसको अलाउ नहीं कर रहे, वो भागना चाहती है मगर किसी साथ भाग नहीं रही, और ये उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मतलब इस तरीके से उसको डिजाइन कर देंगे कि उसकी प्राइवेट लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, राइट. सच आर पैपराजी. कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज पैबलेट. तो फोन प्लस टैबलेट इज नोन एज पैबलेट. तो एक कॉमन वर्ड है, शायद आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा. तो नेक्स्ट वर्ड इज पैप. टू क्लिक सेलिब्रिटीज. सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि ज्यादा स्नैप्स वगैरह लेना, दिस इज नोन एज पैप. अब हमारा जो अनदर वर्ड है ब्लॉर. तो आप लोग टेलीफोन यूज करते हो घर पे, आप सबके घर में टेलीफोन है, आपके उसे टेलीफोन मत बोलना, आप ब्लॉर बोलना, राइट. बोलते हैं पेरेंट्स आपको डांट देंगे क्या वर्ड लेकर आए, मगर इसका मीनिंग यही होता है टेलीफोन, तो आप ब्लॉर, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट तो आप सब जानते हैं, राइट. लोकल नेटवर्क सर्विस, तो वायरलेस सर्विस है जो इजीली अवेलेबल होती है आज के टाइम में, हम अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट कर लेते हैं और इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, इट्स इजी वर्ड. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज ब्रिक. ब्रिक एक बड़ा फोन होता है, आप टैबलेट को ब्रिक कह सकते हैं क्योंकि एक बड़ा फोन जो टैबलेट के रूप में भी यूज हो रहा है और फोन के रूप में यूज हो रहा है. इतने बड़े बड़े फोन आते हैं, स्टूडेंट्स लोग ऐसे लेके बैठे रहते हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मगर आपको बता दूं वो ऐसे लेके बैठे रहते हैं, राइट. और हमें लगता है पता नहीं क्या ईंट लेके बैठे हो, और वो ब्रिक ही कहलाते हैं, राइट. तो दीज आर नोन एज ब्रिक्स, राइट. नाउ कमिंग ऑन अवर नेक्स्ट पॉइंट, तो मैं चाहूंगा निखिल से रिक्वेस्ट करूंगा, निखिल ये दो स्लाइड्स आप एक साथ ले लो, फिर अपने वहां चलते हैं और हमारे व्यूवर्स को कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस बताते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व कर ले और बोलने लगे रोज रोज, इन बातों को आप बोलो अडॉप्ट करो. क्या मेरे अगली स्लाइड पे चले? यस. कमिंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, दिस वन हैव वी टेकन. तो आई होप दैट बोथ द पॉइंट्स वी हैव कवर्ड. चलिए आइए निखिल मेरे साथ आइए आप, और हम लोग इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हमारे स्टूडेंट्स को सिखाएं. आप कॉपी पेन ऑन कर लो स्टूडेंट्स, क्योंकि आज जो मैं आपको टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही यूनिक है, और ये इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हमें अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करने हैं, मतलब जब हम इंग्लिश बोले तो इन वर्ड्स को हमें स्पीकिंग के अंदर लेकर आना है. चलिए इन वर्ड्स को देखते हैं. हमारा जो पहला वर्ड है उसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक हिंदी में बात बोलना चाहूंगा. आप सब मेरी आंखों के तारे हो. क्या हो आप सब? मेरी आंखों के तारे हो. तारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार. मगर इसका जो फ्रेज बनेगा वो स्टार नहीं बनेगा, इसका जो फ्रेज बनेगा एप्पल ऑफ एन आई बनेगा. स्टार ऑफ एन आई कभी नहीं होता है, हमेशा क्या वर्ड होता है? एप्पल ऑफ एन आई. तो अगर आपको किसी को कहना है कि यार तुम तो मेरी आंखों के तारे हो,
राइट right? तो आपको क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, एप्पल ऑफ एन आई। जैसे आज हमारी यहाँ की जो काउंसलर है, जो पूरा मैनेजर है यहाँ पे पीडी क्लासेस को संभालती है, उनका बर्थडे है, तो मैं चाहूंगा कि इनको अप्रिशिएट किया जाए और प्लीज गेट अप और एक अच्छी सी क्लैप्स हो इनके लिए, हैप्पी बर्थडे विश करो इनको। और इनका केक तैयार है और हम लोग केक इंजॉय करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, राइट। तो हाउ यू आर फीलिंग, आज आपको कैसा लग रहा है, आपका बर्थडे है, ओके। सो आज इनका बर्थडे और हम सब जानते हैं कि इनके बर्थडे के दिन ये, और वैसे भी ये हमारी आंखों की क्या है, तारा ही है, राइट। तो हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, एप्पल ऑफ एन आई। तो हम एप्पल ऑफ एन आई वर्ड इनके लिए यूज कर सकते हैं, एप्पल ऑफ एन आई मीन्स आंख का तारा, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अ स्नेक इन द ग्रास, राइट। क्या वर्ड यूज करेंगे हम, किसके लिए, सीक्रेट एनिमी, जो हमारा सीक्रेट एनिमी है जिसके बारे में हमें नहीं पता, हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, स्नेक इन द ग्रास। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बुरा आदमी अपनी फितरत जल्दी से नहीं छोड़ता है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखा करो कि बुरे आदमी की को फॉरगिव कर दो, उसको माफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरगिव अ पर्सन बट नॉट हिज नेम एटलीस्ट, क्योंकि बुरा आदमी बुराई दोबारा जरूर करता रहता है। तो एक गर्ल थी छोटी सी, शी वॉज क्लाइंबिंग ऑन अ माउंटेन, और वाइल गोइंग ऑन द माउंटेन उसको एक स्नेक मिला, वो स्नेक इट वॉज पॉइजनस। तो दिस गर्ल व्हेन शी सॉ दिस स्नेक, द कंडीशन ऑफ द स्नेक वॉज वेरी वर्स, मतलब उसको बिल्कुल वो कट फट गया था, काफी जगह उसको चोटें आई थी। तो उसने गर्ल से रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे ना ब्लेजर में डाल लो और मुझे ना थोड़ा सा आगे तक पहुंचा दो, विलेज तक, ताकि मैं इजिली फूड सर्च कर पाऊं और मैं जी पाऊं, क्योंकि यहां बहुत ठंड है और मैं मर जाऊंगा। तो गर्ल ने उसको बोला कि तुम स्नेक हो और पॉइजनस भी हो, तो तुम मुझे काट लोगे और तुम्हारी फितरत है तुम मुझे काट लोगे। तो वो कहता नहीं, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें क्यों काटूंगा, और उसने उसको ब्लेजर में डाल लिया। वो जब गर्ल हार्डली 10 स्टेप्स चली, उस स्नेक ने उसको बाइट कर दिया और उसने बोला कि मैंने तुम्हारी मदद करी, तुमने मुझे काट लिया, अब तो मैं नहीं रहूंगी, मगर तुमने ऐसा क्यों किया। तो उस स्नेक ने कहा ये मेरी फितरत है। तो बुरे व्यक्ति को हमेशा जल्दी से सेकंड चांस नहीं देना चाहिए, मीन्स हम लोग कई बार गलती कर देते हैं ऐसी लाइफ के अंदर, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऑल दिस थिंग्स लाइक सीक्रेट एनिमी हमारी लाइफ के आरपार बहुत होते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी लाइफ का। तो हम लोग ऐसे वर्ड्स के लिए क्या यूज कर सकते हैं, अ स्नेक इन द ग्रास। चलिए मैं नेक्स्ट वर्ड पे यूज करता हूँ, बेड ऑफ रोजेस। तो मैं यहाँ पर मेडिकल रैश बोर्ड बनाता हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत से बच्चे जो ग्रेजुएट्स है, चाहे बीओ बीकॉम हो, एमकॉम हो, ग्रेजुएट हो, कोई भी हो, एमबीए, उन सबको मैं क्या बनाता हूँ, उन सबको मैं मेडिकल रैप के लिए बहुत आते हो मेरे पास एमआर बनने के लिए। तो मैं कभी कभी उन लोगों को एक बात बहुत अच्छी बोलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ जो जॉब आप कर रहे हो, करने जा रहे हो, दैट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, मीन्स वो सहज नहीं है फूलों की, उसमें आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आप उस चीज को अटेन कर पाओगे। तो शायद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि बेड ऑफ रोजेस का मीनिंग क्या होता है। हम अपने नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं स्टूडेंट, बेटर हाफ। बेटर हाफ का मीनिंग होता है अर्धांगिनी, बोल सकते हैं आप मेरे साथ, राइट। तो बेटर हाफ का मीनिंग आप समझ गए हो, मींस वाइफ। तो आप बोल सकते हो कि आई हैव अ ब्यूटीफुल बेटर हाफ, आई हैव ब्यूटीफुल वाइफ। तो आप ऐसा वर्ड यूज करिए, प्रोवाइडेड आपकी वाइफ मेरी तरह। दैट इज प्रोज एंड कॉन्स, तो हमारे पास वर्ड है दैट इज प्रोज एंड कॉन्स। तो ये वर्ड हम यूज करते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर, राइट। तो मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूं कि चलिए ग्रुप डिस्कशन हमारा टॉपिक ये है, एडवर्टाइजमेंट दिस और दैट, और मैं कह देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और मैं आप लोगों को बोल देता हूँ FDI, और मैं आपको बोल देता हूँ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चलिए स्टार्ट कीजिए डिस्कशन आपका, आप इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कीजिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कीजिए। तो प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपको मालूम हुआ स्टूडेंट्स, हर कॉइन के दो साइड होते हैं, तो आप ऐसी भी बात स्टार्ट कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, एवरी कॉइन हैज इट्स टू साइड्स। चलिए हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द लॉन्ग एंड द शॉर्ट। तो आपको अगर किसी से समरी मांगनी है ना, मान लो कोई मूवी देख कर आए, आपको कहना है यार मुझे थोड़ा सा बता दे यार कैसी मूवी है, तो आप उसको बोलो पूरी डिटेल नहीं चाहिए मुझे, बस लॉन्ग एंड शॉर्ट बता दे यार थोड़ा सा बस। तो क्या वर्ड यूज करोगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो अडॉप्ट करो इस वर्ड्स को, मैं आपको जो भी फ्रेजेस बता रहा हूं ये मैंने चुने आपके लिए, कि ये वो फ्रेजेस हैं जो अगर आप अपनी इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर लो तो आपकी वाकई में मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। जो मैंने आपको वो क्या बताई, जो मैंने आपको वे बताया बोलने का, वो एक वे नहीं है, उससे आप 10 और वे सीख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो अगर आपको किसी को कहना है भाई मुझे ना ये रिटन में चाहिए, मुझे ये चीज लिखित में चाहिए, तो आप क्या बोल सकते हो, आई नीड दिस इन ब्लैक एंड व्हाइट। रिटन में बोलना, आप क्या वर्ड यूज करोगे, आई नीड दिस थिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। कोई आपको कहता है यार मैं पक्का कर दूंगा, प्रॉमिस कर दूंगा, आप कहते मुझे लिख के दे दे, मुझे लिखित में चाहिए चीज, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे, आई नीड दिस थिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब आप समझ गए होंगे ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग
क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लिखित में। हम अपने अगले वर्ड में आते हैं वेल टू डू। क्या वर्ड है? वेल टू डू। तो वेल टू डू वर्ड बहुत यूनिक है और अच्छा वर्ड है। वेल टू डू व्यक्ति के लिए लगता है, जैसे हम बोलते हैं ही इज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। ही इज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली मीन्स व्हाट? ही इज फ्रॉम अ रिच फैमिली। ये एक अच्छे खाते पीते घर का व्यक्ति है, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? ही इज अ वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू का मीनिंग क्या होता है? फ्रॉम अ रिच फैमिली, द रिच पर्सन। तो यू कैन यूज दिस वर्ड। वैसे ही हमने कई बार वर्ड देखा है हैंड टू माउथ, यहां पर नहीं लिखा होगा मगर मैं आपको वैसे ही बताता हूं हैंड टू माउथ। क्या वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूं? हैंड टू माउथ। तो आपने ये वर्ड सुना होगा, ये वर्ड कई बार उन लोगों के लिए लगता है जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जैसे हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हो तो हम अपने लिए भी ये वर्ड लगा सकते हैं। मीनिंग क्या होता है ये सुन लो, इसका मीनिंग होता है ताजा खाना ताजा कमाना। मगर हम इस वर्ड को बहुत ज्यादा दूर ले जाते हैं, हम सोचते हैं हैंड टू माउथ पता नहीं क्या भिखारी उधर हाथ मारना होता होगा, तो हम इसको गलत मतलब ले जाते हैं। तो इसका गलत मतलब नहीं है, आप इसको वर्ड को यूज कर सकते हो मगर करना कोई समझदार आदमी के सामने, वरना वो आपको यूं देखेगा कितना गरीब आदमी है, राइट? तो आप ऐसा मत करना देना, आप पहले एक समझदार आदमी ढूंढना उसके सामने यूज करना आई एम ए हैंड टू माउथ पर्सन। बुरा वर्ड नहीं है ये, इसका मतलब है मैं ताजा खाता हूं ताजा कमाता हूं, मेरे पास ऐसा नहीं कोई कुछ देनी पड़ा है, इसका मीनिंग ये होता है। तो कोई बुरा वर्ड नहीं है, आप अडॉप्ट कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड दैट इज इन ब्लैक एंड वाइट हो गया, वेल टू डू हो गया, हमारे पास हीदर एंड थीदर हो गया। हीदर एंड थीदर ये वर्ड आजकल यूज नहीं होते मगर पहले बहुत होते थे हीदर एंड थीदर। तो आप लोग अगर कोई पुरानी नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो तो आपको उसके अंदर ये वर्ड मिल जाएगा हीदर एंड थीदर। इसका मतलब होता है इधर उधर, एक व्यक्ति मैड व्यक्ति है, ही इज रनिंग हीदर एंड थीदर, वो इधर उधर दौड़ रहा है। तो आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? हीदर एंड थीदर। इसका मीनिंग टू एंड फ्रो भी होता है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो आप इन वर्ड को यूज कर सकते हो। कमिंग ऑन नेक्स्ट वर्ड दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहले सबसे पहले। क्या किसे कहेंगे? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। मिसेस इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप इस वर्ड को ऐसे यूज कीजिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अच्छा वर्ड है, आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हो। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड दैट इज टू बी एट होम। टू बी एट होम, आई एम एट होम। मैंने आपको एक बात बताई थी किसी टाइम में कि होम जो वर्ड है इसके पहले कभी प्रपोजिशंस नहीं लगते हैं। एट होम वर्ड का मीनिंग होता है कंफर्टेबल जोन में। तो देखिए वर्ड आ चुका है एट होम, इसका मतलब है टू बी एट ईज। ईज का मतलब होता है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। तो आपको वर्ड यूज करना है टू बी एट ईज, टू बी एट कंफर्टेबल। तो यू यूज दिस वर्ड, इसका मतलब मैं बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में हूं, आई एम इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज टू कैच कोल्ड। टू कैच कोल्ड का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि आपको ठंड ने पकड़ लिया, आपको जकड़ लिया। टू कैच कफ यानी कि आपको खांसी हो गई, आपको जुकाम हो गया, तो आप क्या बोलोगे? टू कैच कोल्ड। कोल्ड के लिए एक और वर्ड होता है इन्फ्लुएंजा, मगर वो मेडिकल टर्म है, हम लोग कोल्ड वर्ड ही यूज करते हैं, इसका मीनिंग जुकाम हो जाना। तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? डॉक्टर मुझे कोल्ड हो गया है, टू कैच कोल्ड। कमिंग ऑन नेक्स्ट वर्ड ऑन बिहाफ ऑफ। तो मेरे यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं पीडी क्लासेस के, वो सब लेक्चर्स देते हैं और लेक्चर देते टाइम वो बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम खुद मोटिवेट हो आपके लिए नई नई चीज बनाने के लिए। और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या चाहिए, अगर आपको कोई यूनिक टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज लिखिए। कई बार आप लोगों ने हमें बताया भी है कि आपको क्या टॉपिक, हमने वो टॉपिक प्रोवाइड भी किए आपको। तो ये ऑन बिहाफ को मतलब होता है की तरफ से, क्या वर्ड होगा? की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ। तो हम लोग ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं ऑन द ईव ऑफ। तो आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि ऑन द ईव ऑफ गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती जिस दिन है उसे ठीक पहले वाली शाम या उसे ठीक पहले वाला टाइम, तो आप ऑन द ईव ऑफ ठीक पहले ये सेलिब्रेट किया गया, वो सेलिब्रेट किया गया। ऑन द ईव ऑफ दीपावली पीडी क्लासेस है सेलिब्रेटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर ऑफ स्वीट्स टू द स्टूडेंट्स। तो आप ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं ऑन द ईव ऑफ, की मीनिंग क्या है ऑन द ईव ऑफ का? उससे पहले। तो ये वर्ड है ठीक उससे पहले, ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव ऑफ का मीनिंग ठीक उस ऑकेजन से ठीक थोड़ा सा पहले। कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड ऑन द ब्लिंक ऑफ, ऑन द वर्ड्स ऑफ, ऑन द पॉइंट ऑफ। तो ये तीन फ्रेजेस एक साथ ले लिए गए ताकि आपको कभी रीडिंग करते वक्त ये वर्ड मिले तो आपको मेल नो मीनिंग होना चाहिए इसका। इसका मीनिंग होता है नियर और अबाउट टू, लगभग बिल्कुल पास में। ऑन द ब्लिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, शी इज ऑन द वर्ज ऑफ अ टीयर्स, उसके आंसू निकलने वाले थे। तो ऑन द वर्ज ऑफ। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड दैट इज विद रेफरेंस टू, विद रिगार्ड टू, विद रेस्पेक्ट टू। मेरे ख्याल से आप ये वर्ड यूज करते होंगे विद रेस्पेक्ट टू, विद रिगार्ड टू एंड विद रेफरेंस टू। इसका मतलब होता है इन कनेक्शन विद, विद रेफरेंस टू, मैं इसका रेफरेंस देते हुए, इनका रेस्पेक्ट देते हुए, राइट? कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड दैट इज टू आइडल अवे टाइम, टू आइडल। ये देखिए वर्ड है आई डी एल ई, ध्यान से देखिए इस वर्ड को आई डी एल ई। और एक वर्ड आपने ये देखा होगा आइडियल, सुना होगा। एक आपने ये भी देखा होगा, बहुत डिफरेंस है तीनों में। जो ये जो वर्ड है
ये है बिल्कुल यूजलेस, मतलब कुछ नहीं, निकम्मा एक तरीके से। तो ये क्या वर्ड है आइडियल, यहां पर ये वर्ड है। अगर ये वर्ड होता तो इसका मीनिंग आदर्श हो जाता। आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। मेरे आइडियल वो लोग हैं जिन्होंने सच्ची में सोसाइटी के लिए कुछ किया है। मदर ट्रेसा मेरी आइडियल है। तो आप ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो। मगर ये वर्ड में स्पेलिंग डिफरेंस देखो, IDLE का मतलब है यूजलेस, निकम्मा बिल्कुल, और IDAL का मीनिंग क्या हो गया कि यहां पर हम बोल रहे हैं आदर्श, और IDOL का मतलब क्या, मूर्त। आइडल तो आपने सुनी होगी, जैसे भगवान की मूर्त, आइडल स्टैचू वगैरह। तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं? आइडल। मगर यहां पर जो वर्ड है वो है IDLE। तो जरूर वेस्ट, कुछ समय व्यर्थ करने वाली बात ही होगी। टू आइडल अवे टाइम, टू फ्रीटर अवे टाइम, टू ट्रिपल अवे टाइम। तो देखिए मीनिंग निकल गया हमारा, टू वेस्ट टाइम। तो किसी के लिए आप बोल सकते हैं वर्ड, व्हाई आर यू आइडलिंग अवे योर टाइम, व्हाट यू फ्रेटरिंग अवे योर टाइम, फ्रीटरिंग अवे टाइम, व्हाट यू ट्रिपिंग अवे टाइम। तो आप इस तरीके का वर्ड अगर यूज करते हो तो आपकी इंग्लिश के अंदर वाकई में एक मॉडर्नाइजेशन आता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इंग्लिश इज अ वन डे मिरेकल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आप लोगों को टेंसेस भी सिखाई है, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर्स भी बताता रहता हूं अपनी क्लास के अंदर, और हर टाइम टू टाइम हम यूट्यूब पे अपने लेक्चर्स भी देते हैं। मगर ये एंडलेस प्रोसेस है। अगर आप कहें सर क्या एक कुछ ऐसा मैटर आता है, क्या ऐसी कोई बुक आती है जिससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं, तो नो डाउट हमारी एक बुक ऑलरेडी आती तो है मार्केट में। हम अगर आपको दिखाना चाहें, दिस इज अवर बुक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ये बुक कोई भी किसी भी जगह से परचेज भी कर सकता है। मेरे पास बच्चे ओडिशा से, मद्रास से, चेन्नई से और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से इसको परचेज कर रहे हैं। हम उनको बाई कुरियर भेज भी रहे हैं, पॉसिबिलिटी भी है, हमने ऑप्शन भी दे दिया है, तरीका भी बता दिया उनको, वो हमें रिंग भी कर लेते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे बात भी कर लेते हैं। मगर अगर कोई कहे सर क्या मैं इस बुक से पढ़ सकता हूं, तो मैं उसको कहूंगा हाँ पढ़ सकते हो, मगर आप 100% नहीं बन सकते। अगर आपको 100% बनना है और आप हमसे बहुत बहुत दूर हो और पॉसिबल नहीं है कि आप क्लास के अंदर आ सकते हो, पॉसिबल नहीं आप सिटी से बाहर हो, आप क्लास में नहीं आ सकते, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कॉपी पेन लेकर हमारे लेक्चर सुना करो, आप डायरेक्ट हमारे लेक्चर कभी मत सुना करो। क्योंकि हमारे लेक्चर्स अगर आप डायरेक्ट सुनते हो, अगर आपको लगता है कि हमें डायरेक्ट सुनने हैं लेक्चर्स और इंजॉय करते हैं सुनने, तो प्लीज आप, बहुत से स्पीकर्स हैं यूट्यूब पर, आप उनको इंजॉय करो, आप बहुत अच्छा सीख लोगे। बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं जिनका नाम मेरे ख्याल से आपसे आप भी जानते हो कि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं, उनको अवॉइड मत करो। मगर उनको आप तब यूज करो जब आप कहीं आ जा रहे हो, जिसे हम बोलते हैं ट्रैवलिंग टाइम। हमें वो समय यूज करना है, जैसे हम मेट्रो के अंदर बैठे हैं और हमें समय यूज करना है। प्लीज आप उस दौरान मेरे लेक्चर मत सुनना। जब आप फ्री हो, आप बिल्कुल, आपको लगता है कि अब मेरे को पढ़ाई की स्थिति करनी है, तब उस समय आप कॉपी पेन लो और वाकई में हमारा लेक्चर ऑन करो और पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओ। मेरी गारंटी रहेगी कि इस बुक से ज्यादा आप यूट्यूब से ज्यादा सीख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज को मोड़ बनाते हो अपना। हाँ, नो डाउट हम अपनी बुक की तारीफ जरूर करेंगे, हमारी बुक अच्छी है। इसके साथ साथ हमारी इंटरव्यू की बुक्स भी आती है, वो भी अवेलेबल है मार्केट में। मगर फिर से मैं कहूंगा कि इंटरव्यू बुक्स के अलावा अगर आप सच्ची में इंटरव्यू सीखना चाहते हो, तो हमारे यूट्यूब पे जाओ और देखो कि लोग कैसे इंटरव्यू देते हैं। और लास्ट में मैं हमेशा अपनी गाइडेंस देता हूं इंटरव्यू पे कि इस व्यक्ति ने क्या क्या गलतियां करी थी, वो गलतियां आप समझ लो ताकि आप वो गलतियां आप ना करो। वही इंग्लिश के अंदर मैंने करवाया है कि मैं जो भी इंग्लिश का आपको टॉपिक करवाता हूं, उस टॉपिक के अंदर आप ये देखो कि आपने उससे सीखा गया, आपने खुद ने क्या सीखा। आप मुझे देखिए, देखते हो यार ये सर ये बता रहे, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, आपने इंकल्केट कितना किया, अगले साल या 6 महीने बाद आपने उन वर्ड्स को यूज करना शुरू किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो उसको करो, दैट्स ओनली ऑप्शन। तो मैं मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के बाद में आप उसे एक हैबिट बनाइए कि सर मुझे इस चीज को सीखना ही सीखना है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूमअप करना ही करना है, और ये एक फ्री इन्वेस्टमेंट है। यानी कि आपने सिर्फ यूट्यूब ऑन करना है, अदरवाइज आपको कोई चार्जेस नहीं देने। आपको सब्सक्राइब करते ही, बेल आइकन को क्लिक करते ही सब कुछ आपके पास आ जाए करेगा, जो भी लेटेस्ट आएगा। मगर कुछ बच्चे से एक और रिक्वेस्ट रहेगी, वो लोग क्या करते हैं, वो हमारे लेटेस्ट लेक्चर्स देखते हैं, मगर वो ये नहीं देखते कि 150 जो प्रीवियस लेक्चर्स गए हैं उनके बारे में क्या था। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज हमारे यूट्यूब पर पिछले लेक्चर्स भी देखिए, उनसे भी आपको वो टॉपिक्स मिलेंगे जो मैं दोबारा नहीं रिपीट कर सकता। वो अच्छा भी लगता कि मैं एक ही बात को दोबारा रिपीट करूं, तो वो टॉपिक्स जो चले गए हैं उन टॉपिक्स को भी आप गो थ्रू हो, उनके अंदर भी आप नई नई बातें सीखो। एंड थैंक यू वेरी मच यूट्यूब व्यूअर्स, आई एम गेटिंग योर गुड रिस्पॉन्स फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इट्स रियली यू पीपल आर अप्रिशिएटिंग, योर अप्रिशिएशन ओनली मेक्स मोटिवेट्स अस टू ग्रो इन लाइफ एंड डिलीवर सच न्यू लेक्चर्स फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, आई रियली लव यू ऑल।